कल्याणपुर जरूर उठाना, क्योंकि कल्याणपुर की चेक नहीं है। और कोशिश करना कि तुम कल्याणपुर सबसे पहले चले जाना। तुम जैसे 9 बजे अगर तुम निकलोगे तो कितने बजे पहुंचे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। और जैसा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन चल रहा है इस समय और हम लोगों को घरों पे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग 25-30 साल बैक हो गए। आज से 25-30 साल पहले हम लोगों के पास जिम नहीं होते थे, तो हम लोग घर पे ही एक्सरसाइज करते थे, या तो अखाड़े में जाके एक्सरसाइज करते थे। तो वही दिन, वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कैसे होती है। अभी तो सब कुछ नेचुरल है, पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, ना तो सप्लीमेंट्स हैं अभी घर पे, और कुछ भी हम लोग नहीं ले रहे। क्या खा रहे हैं घर पे? जो हम लोगों को मिल रहा है वही खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? दाल, चावल, रोटी, दूध, अंडे खा रहे हैं? नहीं खा रहे। और क्या खा रहे हैं? चिकन खा रहे हैं? नहीं खा रहे। मछली खा रहे हैं? नहीं खा रहे। क्या बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी? नहीं बना सकते आप भैया, यही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, इसी को समझना है। कितने सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग संभव नहीं है, नहीं कर सकते बिना लिए। ये इतना टफ काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप को चैलेंज देना है इस समय। आपको क्या लग रहा है, ये आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। वो सब मार रहा, आप अपने आप को चैलेंज दो, मुझे 1000 मारना है। अब वो 1000 कितनी देर में पूरा होता है? वो 1000 एक घंटा भी लग सकता है आपको मारने में, 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपको लगता है कि 1000 मेरे लिए ज्यादा है। 500 से स्टार्ट करिए, 400 स्टार्ट करिए, 200 का टारगेट दे दीजिए और 20-20-20-20 करके 200 तक पहुंचिए। फिर आपको लगता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ी है, आप 300 फिर 400 500 करके, समय बहुत है अभी, इसी बहाने कम से कम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के आप पास पहुंच जाएंगे। कि घरों पर रह करके भी लोग कैसे पहले बॉडी बना लिया करते थे, और आजकल तो पूरा उल्टा फिल्टा हो गया है। खैर, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें मैं अभी आपके नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो घर पर रह करके आप कर सकते हैं, या जिम में भी जाते हैं तो आप केवल नेचुरल डाइट्स पे ही काम करते हैं, वो नहीं करना है जिसपे आप लोग एस्ट्रॉइड्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, या बहुत आजकल तो कंपटीशन में खेलने वाले ऐसी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं। कि जब मुझे ये बातें पता लगी, अभी कुछ कंपटीशन खेलने गया और बात हुई अच्छी खासी बैठ करके पुराने बॉडी बिल्डर्स और एक्सपर्ट के साथ जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो यार मेरी बुद्धि चकरा गई ज़बरदस्त तरीके से। वो भी बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पे खुद ही इल्ज़ाम लग जाते हैं कि सर आप लेते हो बताते नहीं। तो अभी तक मैं यही कहूँगा कि यार मैं तो पानी पी के एक्सरसाइज कर रहा हूँ और पानी पी के कंपटीशन जीत रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये। यार मैं ये सोचता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए कि एक बार मैं अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग करूँ और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँ, तो वो भी 1-2 साल के लिए मैं कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, उसमें मेरे को कोई भी हार्म नहीं होगा किसी भी तरीके। लेकिन मैं दिखा दूँगा, अपने आप को साबित कर दूँगा कि नहीं भैया लेंगे तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं आप, जिंदगी भर करनी है आपको, जिंदगी भर फिट रहना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है किसी तरीके से, किसी भी तरीके का पेशेंट नहीं बनना है आपको भैया। ये सबसे बढ़िया तरीका है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का, चाहे आप जिम जा रहे चाहे घर पे कर रहे। लेकिन घर पे अभी अगर कर रहे हो तो आपको चैलेंज रखने, चैलेंज के हिसाब से ही काम करना है। जैसे आपका पुशअप्स मार रहे हो, आप हाफ राइजिंग कर रहे हो, आप पुलअप कर रहे हो, आप क्या कहते हैं नैरो ग्रिप ट्राइसेप कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी चैलेंज है। स्क्वैट्स मार रहे हो, स्क्वैट्स फ्री स्क्वैट, आप फ्री स्क्वैट मार पाओगे, या किसी को हल्के फुल्के वेट को लेके अपने ऊपर लाद करके बोरे की तरीके आपने रेपिटेशंस मारे तो उस पर भी टारगेट। इसके लिए आपके पास एक ना एक होना चाहिए आपका मित्र दोस्त, तो वो भी थोड़ा सा संभव हो पाएगा, लेग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन टारगेट देने यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ मैं, लगातार जब से लॉकडाउन चल रहा हूँ मैं अल्टरनेट 1000 रेपिटेशंस मार रहा हूँ,
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मुझे याद आ रहा था, तभी मैं कह रहा हूँ आज से 25-30 साल पहले जैसे मैं अपने आप को चैलेंज दे के करके एक्सरसाइज करता था, वही दिन मुझे याद आ रहा है और वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर उस तरीके से करेंगे तो आपको काफी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक मेरा होगा वो सबसे ज्यादा सुनने लायक होगा, क्योंकि उस पर मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि आपको हो सकता मालूम हो। आप लोग ऐसे जगहों से हो, अच्छी अच्छी जगह से, दिल्ली है, नोएडा है, कलकत्ता है, ऐसी जगह से, केरल से, बहुत सारे केरल से फोन आते हैं सर, तो केरल वाले लड़के भी जानते हैं यार ये सब क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है मेरे ज्यादा जानकारी रखते हो, लेकिन हम लोग गांव देहात में रह रहे हैं, मतलब कानपुर जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर लड़का यार 350 रुपए फीस जिम की नहीं दे पाता, सप्लीमेंट की बात तो दूर छोड़ दो तुम यार, और उसकी बात की जाए फिर उसके बाद इंजेक्शन की, तो यार बड़ा चैलेंजिंग है मेरे भाई। थोड़ा समझने वाली बात है कि वो इंसान के लिए जिसके लिए आप कहते हो किस परिवेश से, कैसा परिवेश है, बैकग्राउंड कैसा है, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को बस आपके मन में आया इसने अच्छा बना लिया तो इसने ले लिया होगा, नहीं उसकी मेहनत देखिए यार। मैं जब आपसे कह रहा हूँ 1000 पुशअप मारिए आप और आपको पूरे जिम ना भूल जाए तो आप कहे ना, आप कहोगे क्या किया आज मजा आ गया यार। आप चलो 1000 नहीं मार पाओगे, आप टारगेट 300 का रख लो, 200 का रख लो, मारो देखो मजा आ जाएगी, ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। तो दोस्तों यही था आज के टॉपिक में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।